और अच्छी गेंद, थोड़ी सी गोल्डन टप्पा खाने के बाद सीधी आ गई। थोड़ी तेज बॉल डाल रहे हैं हम अपना स्पिनर जो यहाँ है, और अच्छा मैच आज देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को। छोटी गेंद, कटकी हुई गेंद थी, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैन को। एक 147 लॉस ऑफ 3 विकेट, और उठा के खेल दिया हाथ से बल्ले, एक ही हाथ से खेलने की कोशिश थी, हाथ से बल्ला छूटा, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा बैट्समैन को। 148 16 ओवर की समाप्ति के बाद गया। रंजन जो अभी 77 रन पे खेल रहा है, काफी अच्छा बैट्समैन, बैटिंग का मुजहरा पेश किया उन्होंने यहाँ पे वाटसन स्कूल के प्रांगण में, जो गया की टीम से है। जब अब तक सूझबूझ वहीं पर सारी थी उनकी, जो अभी भी चल रही है, और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हमारे तमाम स्पॉन्सरों का हार्दिक शुभकामना। होटल जनता, फिप्स हॉस्पिटल, डिजिटल दुनिया, अमित मोबाइल, अम्बे होटल, केडी कैंपस, तो ये क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार इस वाटसन की धरती पर, जहां गया पटना से भिड़ रहा है। आज सुबह गया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, वही उनका निर्णय इतना शानदार, इतना कामयाब रहा कि अभी भी अगर रनों की बात की जाए चाहूंगा, और फिर सीमा रेखा के बाहर चली ही तो गई।
इस चौकों के साथ कुल स्कोर 66 95 रन पर नॉट आउट है। रंजन जहां 5 रन केवल दूर अपने शतक से, इस टूर्नामेंट के प्रायोजक होटल जालसा, क्रिप्स हॉस्पिटल, अच्छे इलाज की व्यवस्था, डिजिटल दुनिया, अमित मोबाइल, अंबे होटल, केडी कैंपस, शिक्षा का बेहतरीन व्यवस्था, कन्हैया आर्ट एंड ग्लेरी, लाइव लॉन्ग, दी लजीज रेस्टोरेंट एंड होटल, जायका रेस्टोरेंट, दीप ज्योति होटल, झरीलाल अनूठालाल सारी शोरूम, गोलू एंड लक्की मेडिकेयर, संभव फाउंडेशन मधुबनी, आस्था फर्नीचर मधुबनी, एजुकेशन पॉइंट खादी भंडार के पास फार्मा ऑफिस लेकर के तो बता दें साथियों, ये जो मैच अभी फिलहाल मेन कमेंट्री अभी बंद है, इसके कारण आपको बता दें कि अभी 181 रन हुआ है, 181 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद हुआ है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ जो हमारे मेन कमेंटेटर हैं वो जुड़ जाएंगे और आपको सारी जो डिटेल्स है वो देंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग इस मैच को देखते रहिए और इस मैच का आंखों हाल जो आप मधुबनी के वाटसन ग्राउंड से देख रहे हैं, इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तमाम जो ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इस मैच का सीधा प्रसारण मिथिला दस्तक के माध्यम से देख रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि ये मैच जिला स्तरीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय जो
फेल होती है उसके लिए एक प्लेयर्स चयनित होगी जिसे कि मैन ऑफ द सीरीज यहां से मिलेगा। उसका सीधा एंट्री इस मैच के माध्यम से होगा, फाइनल में इसका निर्णय होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस मैच को देखिए और इसका सीधा प्रसारण आप मित्र दस्तक के माध्यम से देख रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि ये मैच अगले आने वाले समय में जो भी एक्टिविटीज होगी उसको हम मिथिला दस्तक के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथी। और साथ में ये भी बता दें कि आप मिथिला दस्तक लाइव के माध्यम से और मिथिला दस्तक यूट्यूब के माध्यम से आपको लगातार हम कवरेज करते रहे हैं। तो आप लोग देखने के साथ ही हमारे जो चैनल है उसको शेयर भी कीजिए और फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हम यही कहेंगे कि आप हमारे प्रयास को निश्चित रूप से आप सफल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मधुबनी में जो क्रिकेट हो रही है अखिलेश शरण सिंह निमंत्रण प्रतियोगिता 2021 का ये कप है और आज पटना और गया के बीच लीग मैच है। जो आज के विजेता होंगे उनका कल पुनः सिवान के साथ मैच है, तो निश्चित रूप से आप लोग देखें इस मैच को। और 24 और 25 को सेमीफाइनल है, तो निश्चित रूप से इस मैच का आप सीधा प्रसारण मिथिला दस्तक के माध्यम से देख सकते हैं। तो बता दें वर्तमान रन रेट जो तो बता दें कि इसके बाद दो ओवर बाकी हैं और वर्तमान जो रन है वो 193 रन गया बना चुकी है। इसके बाद जो मैच का 18वां ओवर भी चल रहा है, तो निश्चित रूप से दो ओवर और बाकी रहेगी 19 और 20। तो आप लोग इस मैच का जो आंखों देखा हाल देख रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कमेंट्री नहीं सुना सकते हैं जो मेन कमेंटेटर हैं, उसका जो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए हम आपको बता दें कि 194 रन बनी है गया की, 18वें ओवर प्रगति पर है। तो निश्चित रूप से आप इस मैच का सीधा प्रसारण मिथिला दस्तक के माध्यम से देख रहे हैं। तो बता दें कि पटना की टीम लगातार बॉलिंग के क्षेत्र में असफल साबित हो रहे हैं, जहां लगातार गया इस मैच पर हावी है। तो आप देख रहे हैं कि जहां गया फिलहाल 195 रन बना करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे स्पेशल खेल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो होती है उसमें ड्यूज बॉल का होता है, वही ये लीगल मैच हो रहा है। और ज़िला फुटबॉल लीग इसका आयोजक, ज़िला फुटबॉल संघ जो है सो इसका आयोजन किया है। अखिलेश शरण सिंह प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता का ये लीग मैच है। आज के विजेता को कल सिवान से मैच होनी है। तो निश्चित रूप से 7 बजे से आपको पुनः प्रसारण कल किया जाएगा। आज का मैच आप देखिए पटना और गया के बीच में। पटना फिलहाल बैटिंग के क्षेत्ररक्षण के क्षेत्र में है और क्षेत्ररक्षण में उनका बॉलर कहीं से भी कामयाब नहीं हो पा रहा है, जहां गया के बल्लेबाज लगातार छक्कों चौकों के मदद से 197 रन बना चुकी है। अब देखना है किस दोहरी शतक लगाते हैं और दोहरी शतक लगाने के बाद कितना टारगेट देता है पटना की टीम को। तो निश्चित रूप से आप लोग बने रहिए।
ना चले बॉलर, रन बनने की कोई संभावना नहीं क्योंकि बहुत बेहतरीन बॉल था और उस बॉल को बल्लेबाज ने यूं अपने बगल में दबा दिया है, तो निश्चित रूप से रन की जो संभावना थी वो समाप्त है। अब देखना है कि दोहरी शतक लगा पाते हैं कि टीम, और गया की टीम जो पहले टॉस जीत करके बल्लेबाज किए हैं अभी 100 रन कहते बिले के तो बता दें कि 20वां ओवर है और 20वां ओवर का ये तीसरा बॉल जा रहा है और 196 रन है। 3 विकेट के नुकसान के बाद गया की टीम 196 रन बना करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उनके बैट्समैन बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें ये मैच आप सीधा प्रसारण मधुबनी के वाटसन हाईस्कूल से देख रहे हैं। मधुबनी के वाटसन हाईस्कूल का ये ऐतिहासिक ग्राउंड जो चारों ओर से दर्शक तिरखा को घेरा गया है, साथ में दर्शकों की भीड़ कुछ कम जरूर दिख रही है लेकिन जो भी दर्शक हैं वो मनोरंजन लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। साथ में एक क्रिकेट का जो डिविजिबल का क्रिकेट है उसका लुफ्त उठा रहे हैं। इसी के साथ कैच होने की संभावना है और कैच हो गए हैं तो बैट्समैन लौट कर जा रहे हैं और ये चौथा 20.4 यानी 19.4 यानी 19 ओवर चौथा बॉल था तो उस बॉल पर आउट हुआ है। तो निश्चित रूप से आप इस मैच को गया की टीम बेहतरीन टारगेट देने के मूड में है पटना की टीम को और 2 बॉल रह गई है। अब देखना है कि इस 2 बॉल में अपना दोहरा शतक गया की टीम बना पाती है या नहीं, ये देखना है। बैट्समैन पहुंचे हैं और अब देखना है। इसी के साथ हमारा जो कमेंट्री है 196 पर कमेंट्री के साथ में आप बना करके आप देख सकते हैं लाइन पर पकड़े गए बल्लेबाज का नाम शशि मणि। अगर बहुत बढ़िया गेंद रोहित को ऑन साइड में ड्राइव किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद उन्होंने फील्ड किया इस 1 रन के साथ 1-2 रन के साथ 198 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर फेंका जा रहा है पटना की ओर से गया की पारी का। वही रंजन नितिनला जवाब बैटिंग किया इस मधुबनी की धरती पर इस 2021 के मुकाबले में। हुई गेंद नहीं किसी के लिए कोई मौका और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन लाजवाब छक्का बहुत शानदार। इसी के साथ गया के 200 रन पूरे 204 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर फेंका जा रहा है। रोहित जो कि रसल की भूमिका में यहां बिल्कुल सब कुछ झोंक दिया है सब कुछ नजर भी आया रसल वाला पोलाड वाला पांड्या वाला अच्छी गेंद और गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन बाई के रूप में। जब दिन खराब होता है तो कुत्ता भी काट लेता है स्वाभाविक हुआ भी वही पहले रंजन ने पीटा फिर उसके बाद गेंदबाजों को तो ऐसा लगा कि इतनी कड़ी परीक्षा ली गई कुल मिलाकर के 209 रनों का लक्ष्य दिया है पटना को गया ने इस मैच को जीतने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि गया कैसे इस
किस तरीके से इस 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कहीं न कहीं गया ने पहले टॉस जीता फिर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका उनकी जो बल्लेबाजी थी वो उनकी बल्लेबाजी पटना के गेंदबाजों के ऊपर सर चढ़कर ही तो बोला और यही वजह है कि 97 रन रंजन कर गए। फिर आनंद फानन में रोहित ने पावर तोड़ बल्लेबाजी की, कम समय में इतना जबरदस्त बैटिंग किया कि कहीं ना कहीं 108 रनों तक तो गया को पहुंचा दिया और 35 रन बना करके शानदार बल्लेबाजी की। आप उसे कन्फेंस करते हैं ना? हाँ। हमारे साथ इस समय सर्वेश सर्वेश 208 रनों का लक्ष्य बनाया है, 208 रन बनाए गया ने और फिर 209 रनों का लक्ष्य दिया है। शुरुआती में ही जीतने के लिए मुझे लगता है कि बहुत भारी भरकम लक्ष्य दिया है। आई थिंक वेरी हेल्दी टारगेट टू गिव द पटना। अब आने वाला जो समय पटना के लिए कौन रंजन वाली भूमिका निभाएगा, कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो रोहित को पीछे छोड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि एक बहुत मुश्किल लक्ष्य दिया है पटना को गया ने टॉस जीत करके। बोला ही ना थी आपको बता दें कि जो आज ये जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से जो मैच आयोजित की जा रही है और इसका सीधा प्रसारण आप मिथिला दस्तक के माध्यम से देखे हैं, तो आइए हम जिला के कमेटी हैं उन कमेटी से कुछ बात जानकारी लेते हैं कि ये मैच किस स्तर का है और ये मैच के आयोजन के पीछे किस क्या क्या कारण है, तो आइए हम आपको बात करवाते हैं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से रमन बाबू हैं, तो उनसे हम आपको जानकारी लेते हैं कि ये मैच आने वाले समय में किस प्रकार का प्लेटफॉर्म बनेगा। हेलो जी, ये मैच आने वाले समय के लिए युवाओं के लिए जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म रहेगा? अखिलेश शरण सिंह, ये क्रिकेट आयोजन की जा रही है, प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, मधुबनी जिला के लड़के के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा मौका देगा। यहाँ प्रतिभाओं को निखार कर आगे भेजने की तैयारी चल रही है। हमारे लड़के ने भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है और मधुबनी के और लगभग संपूर्ण बिहार के बहुत ही 10-12 जिले के खिलाड़ी आए हुए हैं, सभी के लिए अच्छा मौका मिलेगा। और यह टूर्नामेंट जो पिछले 9 सालों से लगातार चल रहा है बिहार क्रिकेट में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि जानकारी दे रहे हैं रमन बाबू जो अध्यक्ष हैं क्रिकेट मधुबनी क्रिकेट संघ के, तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होने की बात कहे हैं। साथ में हम जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्तमान में जो टेनिस बॉल के माध्यम से जो खेल होती है और यहाँ जो आयोजन हो रही है आज वो ड्यूस बॉल के माध्यम से हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो टेनिस बॉल को लेकर के युवाओं में जो उत्साह है वो टेनिस बॉल को कहीं ना कहीं जो है परास्त करने का एक साजिश कहा जा सकता है या उनका इससे जुड़ाव हटता जा रहा है? टेनिस बॉल तो क्रिकेट के लिए बिल्कुल अभिशाप है। टेनिस बॉल के खेल का क्रिकेट में कोई महत्व नहीं है और टेनिस बॉल युवाओं में टैलेंट को कमज़ोर कर रहा है। टेनिस बॉल का कोई ऑफिशियल मैच नहीं होता है और उससे टेनिस बॉल से युवाओं की प्रतिभाओं में कमी आ रही है। तो क्या ऐसा मान के चले कि जिला स्तर पर जो अभी कार्यक्रम हो रही है क्रिकेट का जो आयोजन हो रहा है ऐसा आयोजन आप अनुमंडल स्तर तक भी ले जा सकते हैं इस कार्यक्रम को ड्यूज बॉल के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, आगे से प्रोग्राम है जो हम लोग हर अनुमंडल स्तर पर इस मैच को करावेंगे। ड्यूज बॉल से टेनिस बॉल का बीसीए में कोई स्थान नहीं है, उस मैच को तो हम लोग देखना भी लोगों का जो पहले से ध्येय था कि
लेदर बॉल का उपयोग अब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि लेदर बॉल मधुबनी में हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे युवा भी चाहते हैं कि लेदर बॉल से क्रिकेट हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है अमूमन। नहीं, हम लोग शॉर्टकट में मैच को करवा लेना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन दिखाना चाहता है कि बना लेते हैं, और ड्यूज बॉल पे मैच में कुछ रन कम बनता है। नहीं, ड्यूज बॉल में बहुत मेहनत की ज़रूरत है, उसमें प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है, और बीसीए में तो टेनिस बॉल बैन है। हाँ, उससे टेनिस बॉल से खेल कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। यह है रमन बाबू, जो जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं, और बेहतरीन इनका प्रयास भी है, जो आने वाले समय में अनुमंडल स्तर तक भी ले जाएंगे इस खेल को, और ड्यूज बॉल जो लेदर बॉल के माध्यम से खिलाई जा रही है, तो आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया जा सकता है। आइए हम आज के मैच के जो निर्णायक महोदय हैं, जिसे हम क्रिकेट में बेहतरीन निर्णय देने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, तो इनसे भी परिचय लें, जो आज के एम्पायर हैं और निर्णय देने में बेहतरीन अपना भूमिका निभाए हैं। सर, आपका परिचय? राजेश रंजन सिंह जी। कहाँ से हैं आप? मैं मधुबनी जिला से हूँ। और आज का मैच किस प्रकार का रहा? अभी तक तो गया कि बैटिंग देखने को मिली। फर्स्ट इनिंग का जो मैच का निर्णय रहा, वो किस प्रकार का, खेल के दृष्टिकोण से, बैटिंग के दृष्टिकोण से, फील्डिंग के? अभी तो पहले इनिंग में बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से ही अच्छी रही है। और बॉलिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो औसत दर्जे की थी, औसतन रहा है। तो कह सकते हैं कि पटना के जो आज का खेल प्रदर्शन है वो औसतन रहा है, चूँकि बॉलिंग पटना की तरफ से की जा रही थी और बैटिंग गया की तरफ से किया जा रहा था, जहां गया की बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ये मैच किस प्रकार का टक्कर रहेगा? अभी तो देखने वाली बात है, पटना की बैटिंग बाकी है, उम्मीद कर सकता हूं कि टक्कर वाली मैच होगी। सर, आप अपना परिचय देंगे? चलिए, तो आप नेक्स्ट जब खेल प्रारंभ होगी तो हम आपको पुनः कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।